सर मेरी बीवी ना चांद की तरह होनी चाहिए, जो रात को आए और सुबह होते ही चली जाए। उसको चांद नहीं राण कहते हैं भाई। सर आप चाय लेंगे या ठंडा? जब तक चाय बनता है तब तक ठंडा ले आओ। ठंडा तो नहीं है। अच्छा चलिए पॉडकास्ट चालू करते हैं, तब तक चाय भी बन जाएगी। तो हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज है हमारे साथ बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बीप आलूकरी। इनके यूट्यूब पर 32 मिलियन सब्सक्राइबर है। अच्छा सर, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कई मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन के नाम पे अपने प्रोडक्ट सेल करके पैसों की जमाखोरी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इन्हीं जमाखोरी को बंद करने के लिए 2000 का नोट बंद हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं ये प्रोडक्ट सेल करके जमाखोरी नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि बार बार नोटबंदी करने से अच्छा है कि नोट पर एक एक्सपायरी डेट लिख दिया जाए, इससे लोग जमाखोरी भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, आज का लोग सोशल मीडिया में फॉलोअर और लाइक को लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप भी भागते हैं इनके पीछे? मुझे मेरे सोशल मीडिया में मेरे रिश्तेदार भी फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो पोस्ट फेसबुक पर देखते हैं और कमेंट घर आकर करते हैं। मेरी तो ये सोशल मीडिया और मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। तो इन सब बेइज्जती से आपको कैसा लगता है? देखिए, मोबाइल की वजह से बेइज्जती तो बहुत होती है, लेकिन क्या मजाल की हमें कभी महसूस होती है। अच्छा सर, अभी सबका इंस्टाग्राम बहुत हैक हो रहा है, तो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए तो आप क्या करोगे? अपना रेपुटेशन ऐसा बनाओ कि कोई आपका आईडी हैक करके दोस्तों से पैसे मांगे तो कोई 2 रुपये भी ना दे, उल्टा 4 गाली दे। अच्छा सर, आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई को छोड़कर प्यार मोहब्बत की ओर जा रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब मैं 8वीं में था तो इतना ज़्यादा बोला था कि अनुच्छेद को अनुकिच्छेद समझता था, और कल मैंने देखा कि मेरे पड़ोस का 12 साल का लड़का किसी को कॉल करके बोल रहा था कि तुम ना बच्चों जैसे बात मत किया करो। ये बात मैंने उसके मम्मी को बताई, तो उसकी मम्मी से कहा सुनी हो गई और बात बढ़ गई, और बात इतनी बढ़ गई कि वो मुझे कह कर गई कि दम है तो अकेले में आके मिलो। तब से मेरा दिल बेचैन है कि साला वो धमकी देकर गई कि ऑफर। अब वो 12 साल का लड़का जाके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगा, और छोटे हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा। और इधर हम, अगर हमारा घर दिन दहाड़े लूट जाए तो पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर रात में गर्लफ्रेंड आ जाए तो पूरे एरिया वालों को बात पता चल जाएगा। तो माँ बाप बच्चों पे ध्यान दे, अगर उनकी जवानी संभाल नहीं रहे तो हमारी क्या संभलेगी। हाँ सर, हुआ क्या कि आज बस ना भरी हुई थी, और उस बस में मेरे आगे एक हॉट लड़की खड़ी हुई थी, तो उसे देखकर मेरा औजार खड़ा हो गया और उस लड़की को टच होने लगा, तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझे खींच के थप्पड़ मारा और कहा कमीने, यहाँ हमारे खड़े होने की जगह नहीं है और तू इसे भी खड़ा कर रहा है। अच्छा आप ही बताओ, आप लड़की देख के छोटू खुश नहीं होगा? तो सर बताइए, अगर हम इन चीज़ों में खुशी ना ढूंढें तो हमें किस चीज़ में खुशी मिलेगी? देखो, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली खुशी होती है कि जब आधी रात को आँख खुले और पता चले कि अभी और सोना है। अच्छा सर, आजकल लोग ना रंग देखकर शादी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कभी भी रंग देखकर शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से और ज़्यादा जोर से गाँजती है। अच्छा सर, क्या आपको ये सच लगता है कि स्वर्ग में पति पत्नी को साथ नहीं रहने देते? हाँ, इसीलिए तो उसे स्वर्ग कहते हैं। अच्छा सर, आप अपने और अपने वाइफ के बारे में बताइए, क्या क्या बुरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ना एकदम दुबली पतली थी, तो मैंने उसे जिम भेज दिया, पर अब समझ आया कि सिर्फ जिम जाने से बड़े नहीं होते, कभी कभी जमकर दबाना भी पड़ता है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि बीवी से उम्मीद लगाने से बेहतर है कि आप मुल्तानी मिट्टी लगाओ, इससे रंग गोरा होगा और दिल को भी सुकून मिलेगा। और ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए कि उसकी बीवी समझदार निकलेगी। हुआ क्या कि मैं अपनी बारात को लेकर अपनी बीवी के साथ कार में जा ही रहा था, तो मैंने उसे कहा कि अब तो घर से तुम 12 किलोमीटर दूर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो? तो वो बोली मैं खिड़की के पास बैठूंगी। और एक बार उसने मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगाया,
तो मैंने उसे कहा रात को मोबाइल चार्जिंग पे मत लगाओ, ब्लास्ट तो हो जाएगी। तो वो बोली आप टेंशन मत लो, मैंने मोबाइल की बैटरी निकाल दी है। अच्छा सर, कई पति अपने पत्नी को शराब पीकर मारते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आप भी शराब पीकर मारते हो? मैं ना पहले मारता था, लेकिन शराब की वजह से एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा तुम्हें बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी है, हाँ कभी कभार कोई ऐसी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दे तो पी लेना। तो मैं शराब नहीं पीता, हाँ कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। अच्छा सर, ये आदमी आपके साथ में कौन है जिसके हाथ में शराब की बोतल है? इसको मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए रखा है। अच्छा सर, क्या आप मानते हैं कि पापा की परियां उड़ती हैं? परियां क्या, परे भी उड़ते हैं। एक बार मैंने पड़ोसन को बोल दिया कि तुम परी हो, तो ये बात मेरी बेटी ने अपनी मम्मी को बता दी, उसके बाद पड़ोसन और मैं दोनों उड़े। अच्छा सर, अक्सर हम ना अपनी गलतियां भूल जाते हैं, तो आप बताइए कि हम अपनी गलतियां कैसे याद रखें ताकि हमारे रिलेशनशिप में कोई परेशानी ना आए। अगर तुम्हारी बीवी हो ना तो एक बार बस उस गलती के बारे में तुम उसे बता दो, उसके बाद वो तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे खानदान की एक एक गलती गिना देगी। अच्छा सर, कई लोग झाड़ फूक से अपने बीवी को अपने वश में करवाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि बीवी को झाड़ फूक से वश में कराया जा सकता है? हाँ, एक बार ना मैंने बीवी को वश में करने के उपाय के लिए बंगाली बाबा को फ़ोन किया, तो उनका फ़ोन उनकी बीवी ने उठाया। मैंने पूछा बंगाली बाबा कहाँ है, तो उनकी बीवी बोली कि बर्तन मांज रहे हैं। और ये बीवी जो होती है ना, वो किसी का भी इज्जत नहीं करती। एक बार मेरी बीवी जीन्स और सूट वूट पहन कर घर से जाने लगी, तो मेरी माँ ने उसे देखकर कहा क्या जमाना है, तो मेरी बीवी बोली दही जमाने ना माँ जी। अच्छा सर, ये बताइए कि छोटी छोटी हाइट की बीवी कैसे बड़ों बड़ों को कंट्रोल कर लेती है? छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप कोरोना को भी देख लो, लिए बैठे थे हम बहुत बड़े बड़े परमाणु और गार मार का चला गया है छोटा सा कीटाणु। और इनकी बातें ना ज़्यादातर भी मतलब की होती है। अब ये चींटी को ही देख लो, एक दूसरे के पास से गुजरते वक्त थोड़ी देर रुककर पता नहीं क्या बातें करती है। इन सबसे तंग आकर मैं उससे अलग हो गया, और शादी टाइम मैं मॉडर्न जमाने की वजह से दहेज नहीं लिया, लेकिन आज जब डिवोर्स हुआ तो वो आधी प्रॉपर्टी लेकर चली गई। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? सर, मेरी बीवी ना चांद की तरह होनी चाहिए, जो रात को आए और सुबह होती चली जाए, उसको चांद नहीं राण कहते हैं भाई। ठीक है सर, हमने पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।